हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बिफोर स्टडीइंग दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर etc. There are many more examples which we will be considering along with the chapter, okay? But here are some provided for you. Sodium, potassium, lithium, aluminium, copper, gold, silver, these all are metals, okay? Now let us move to some examples of non-metals. Non-metals in our surrounding are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen and many more. Okay, in this chapter, that is in metals and non-metals, we are going to discuss physical properties as well as chemical properties of metals and non-metals, their reactivity series and other things. Okay, so first of all, let us concentrate on physical properties of metal. What are some physical properties of metal? Metal is a shiny substance. Okay. Shine means luster. Shine means luster. So we can say that all metals are lustrous in nature. They have some kind of metallic luster. Okay. For example, if we consider silver, it is a metal. It shines a lot. Silver jo hai, wo bahut shine karta hai. Silver shine karta hai. Then gold shines a lot, okay? There are some metals जो हमें देखते बराबर ऐसे नहीं लगता है कि they are shining. For example, copper. आपके घर में copper की कई सारी चीज़ें होंगी, वो shine मतलब जैसे जैसे उसको आप रखते हो वैसे वैसे they do not shine. अगर लेकिन यही substances उसके ऊपर की जो layer होती है, मतलब copper अगर हम consider करें, copper या we can talk about iron also, ये substances जो है इसके ऊपर metal oxide की layer form होती है. ये सब्सटेंसेस जो है जब ये सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन है या एयर है या मॉइस्चर है, इनके साथ में इनका जब रिएक्शन होता है तो इनके सरफेस के ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है. दिस मेटल ऑक्साइड लेयर मेक द सरफेस ऑफ मेटल डल. इसके वजह से आपका जो ऊपर का सरफेस है वो डल हो जाता है. ठीक है, ये कॉपर की कोई चीज़ अगर है आपके घर में या आयरन की कोई चीज़ अगर है, उसका ऊपर का सरफेस अगर आप रब करोगे, After rubbing the upper surface, you will find that the inner side of copper is shiny. जो inner side होती है copper की वो कैसे होती है? Shiny होती है. Okay? Why? Because shine is the main property of all metals. ठीक है? Iron shiny होता है. अगर मेरे पास iron या copper की कोई wire है, आप ये देखते हो आपके घर में जो electrical connecting wires जो होते हैं आपके घर में, ठीक है, वो वायर्स जो होते हैं, ये वायर्स मोस्टली कैसे बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. इन सम केसेस दे आर आल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, तो ये जो सरफेसेस है इसको अगर आपने कहीं पे किसी प्लेस पे अगर आपने इसको कट किया, तो कट करने के बाद में उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इट इज़ शाइनिंग. हाँ, बाकी के पूरे मेटल के वायर के कंपेरिजन में जहाँ पर आप उसको कट करते हो दैट पार्ट appears more shiny. Okay, so this is an example that all metals, we can say that all metals are shiny, they have a metallic luster. Okay, so this is the first property of metals. Second property of metal is hardness. All metals are hard in nature. सारे के सारे metals जो होते हैं वो hard होते हैं. जैसे for example आपने copper consider किया, copper metal hard है, iron hard है. ठीक है, अगर आप एल्यूमिनियम कंसिडर करते हो, एल्यूमिनियम हार्ड है. इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक देम. दिस सब्सटेंसेज आर हार्ड, बट देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस. एक्सेप्शनल केसेस मतलब ऐसे केसेस जिसमें ये प्रॉपर्टी शो नहीं होती, हार्डनेस की प्रॉपर्टी शो नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. सोडियम ये सरफेस, ये जो सब्सटेंस है इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ के हेल्प से कट कर सकते हो. अगर आपके पास कोई नाइफ है तो नाइफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सोडियम पोटेशियम के सरफेस को कट कर सकते हो. वाई? बिकॉज दे आर नॉट हार्ड. दीज सब्सटेंसेज आर सॉफ्ट. अदरवाइज ऑल अदर मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. ऑल मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज सोनोरस.
सोनोरस मीन्स वॉट, अगर आपके घर में किचन में कोई प्लेट अगर है, प्लेट्स जनरली जो होती है डिशेस बोलते हैं ना अपन उसको, डिशेस या स्पून, ये चीज़ें जो आपके किचन में होती है दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, दे आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मेटल्स। तो ये जो मेटल्स है ये अगर नीचे गिरती है, मेटल की कोई डिश या स्पून अगर नीचे गिरता है तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ साउंड आता है, आता है ना एक, या आपके घर में बेल अगर होती है कि अपने मंदिरों में बेल होती है ना, या आपके स्कूल में जो रिंगिंग बेल है, वो बेल जो होती है दैट बेल इज मेड अप ऑफ मेटल्स। व्हाई इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स, बिकॉज मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन मेटल्स आर स्ट्रक विथ सम हार्ड सब्सटेंस दे प्रोड्यूस साउंड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरस। व्हेन मेटल्स आर स्ट्रक विथ सम ऑब्जेक्ट, सम हार्ड ऑब्जेक्ट, दे प्रोड्यूस साउंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज सोनोरस। ऑल मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, ऑल मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेलिएबिलिटी, मेलिएबल। मेलिएबल वर्ड का मीनिंग क्या है, देखो अगर मेरे पास कोई मेटल है, मेटल का अगर छोटा सा टुकड़ा अगर मेरे पास है और इसको अगर मैं हैमर करती हूँ, इसको अगर मैं क्या करती हूँ, हैमर करती हूँ, मतलब किसी चीज़ की वजह से इसको अगर मैं स्ट्राइक करती हूँ बहुत बार, देन दिस इज दिस गेट फ्लैटन, दिस पीस ऑफ मेटल इट गेट फ्लैटन बिकॉज ऑफ हैमरिंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी एंड दिस मेटल इज कॉल्ड एज मेलिएबल इन नेचर। ओके, वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, वेन ए मेटल थिंग इज बीटन विद द हेल्प ऑफ हैमर देन इट कैन बी ड्रॉन इन टू थिन शीट। आप उसको क्या करते हो, आप कोई भी मेटल की सरफेस को उसको हैमर करने के वजह से उसका फ्लैट सरफेस में कन्वर्शन कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं दे आर मेलिएबल इन नेचर, ऑल मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी फिजिकल, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। देन उसके बाद में वी कैन से दैट ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। मीन्स अगर अपन ने मेटल्स को क्या किया, स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के बाद में मेटल्स का कन्वर्शन वायर में हो सकता है। यू कैन ड्रॉ मेटल्स इनटू वायर, यू कैन अप्लाई फोर्स टू मेटल एंड कन्वर्ट देम इनटू, यू कैन इलोंगेट द मेथड बाय अप्लाइंग फोर्स। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी एंड मैक्सिमम मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ओके, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मैक्सिमम मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, यू नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन इज हीट एंड नंबर टू इज इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्शन मेटल में से बहुत अच्छी तरह से होता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेट ऑफ मैटर। ये हमने एक्चुअली सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए था कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर सॉलिड इन स्टेट। मेटल्स जो हमने ऊपर के लिस्ट में कंसिडर किए हैं वो सारे के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में हैं। देर इज़ ओनली वन मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट एंड दैट इज़ मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी इज़ इन लिक्विड स्टेट, अदर देन मर्क्यूरी ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। इट मीन्स दैट मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी के सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, हाई है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में रहते हैं, दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। ओके, और लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में तो रूम टेम्परेचर के आसपास कहीं पे भी मेटल्स पाए नहीं जाते। ओनली वन मेटल विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ मर्क्यूरी। ठीक है, सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी कंसिडर की है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर, सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस, थर्ड इज सोनोरस, फोर्थ इज मेलिएबल, फिफ्थ इज डक्टिलिटी, सिक्स्थ इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी इज इट्स स्टेट ऑफ मैटर मोस्टली सॉलिड इन नेचर। ओके, नाउ देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सी some notes we will see.
not exceptional conditions. Exceptional conditions we will see after seeing the physical properties of metal. अभी यहाँ पे देखो, हमने maximum सारे metals आपके कैसे hard है, उनमें कुछ examples of soft metals भी है, जैसे कि sodium soft है और potassium soft है. ये soft है, you can easily cut them with the help of knives, okay? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सारे के सारे मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन उनमें से सिल्वर को और कॉपर को कहा जाता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, दे आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. उनमें से उनकी जो कंडक्टिविटी है हीट के लिए वो बहुत ज़्यादा है. आपने आपके घर में यूटेंसिल्स देखे होंगे, जो आप गैस पर रखते हो, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, ये कुकिंग यूटेंसिल्स का जो बेस होता है आउटर साइड से, ये बेस जो होता है बाहर की साइड से, नॉट फ्रॉम इनर साइड, द आउटर सर्फेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज मेड अप ऑफ कॉपर. वाई? आप कॉपर के यूटेंसिल्स में कुकिंग नहीं कर सकते हो, बिकॉज फूड आइटम्स कंटेन मेनी एसिड्स विच कैन रिएक्ट विद योर एसिड्स एंड मेनी अदर केमिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फूड आइटम्स विच रिएक्ट विद योर कॉपर एंड दे कैन चेंज द स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ योर फूड. It can be poisonous. So utensils are not mostly made up of copper. लेकिन copper की एक important property है जिसको हम ignore नहीं कर सकते, that is copper is best conductor of heat. तो इसके वजह से आपके जो utensils होते हैं, ये utensils का जो bottom वाला part होता है from outer side, it is made up of copper. Why? Because copper बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वो heat का conduction बहुत fast करता है, इसकी वजह से आपके जो food items हैं वो बहुत fast cook होंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज़ ए बेस्ट कंडक्टर. सारे कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा हीट कौन कंडक्ट करता है इजीली? तो सिल्वर एंड कॉपर. मेक नोट ऑफ दिस. देर आर सम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, जैसे कि लीड एंड मर्क्यूरी. दिस बोथ आर मेटल्स, लेकिन बाकी मेटल के कंपैरिजन में लीड में से और मर्क्यूरी में से हीट का कंडक्शन बहुत स्लो होता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मोस्टली वायर्स जो आप यूज़ करते हो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के पर्पज़ के लिए, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, दे ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स कौन से हैं? गोल्ड एंड सिल्वर. आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर? दे आर प्रिफर्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ क्यों होता है? तो आप इसके प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं कि दे आर वेरी मच शाइनी, दे ग्लो. सेकंड, दे आर मेलिएबल, मोस्टली मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल. आप उसको इजीली कोई भी शेप में, कोई भी शेप में आप उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो बाय बीटिंग एंड स्ट्रेचिंग. मीन्स दे आर मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल. ये दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से दे आर स्पेशली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मेटल्स. नाउ लेट अस मूव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स को कंसिडर करोगे आप तो क्या बोलोगे? तो नॉन मेटल को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखो कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है वो सारी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल के केस में निगेटिव जाएंगी. मतलब अगर मुझे यहाँ पे मैंने बोला है कि ऑल मेटल्स आर शाइनी, तो इसके अपोजिट आप नॉन मेटल में बोल सकते हो कि नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, दे आर देयर सरफेस इज डल. ऑल मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, तो आप नॉन मेटल्स के लिए बोल सकते हो कि वो सॉफ्ट है. मेटल्स सोनोरस है क्या? नॉन मेटल्स बिल्कुल भी सोनोरस नहीं होते हैं. मेटल्स मेलिएबल है, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते. मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मोस्टली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस बोथ, ऑल स्टेट्स. ओके, सो यही हिसाब से अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अच्छे से कर ली हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आप मेटल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से लिख सकते हो. कैसे? देखो, सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, व्हाट यू कैन राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में आप क्या बोल सकते हो? पहली प्रॉपर्टी, दे आर डल इन नेचर, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है नॉन मेटल की, तो उसका क्या बन जाता है? पाउडर बन जाता है, चूरा बन जाता है. ठीक है, आपने थोड़ा सा हाथ से भी प्रेस किया तो ये जो सरफेस है ये पाउडर में कन्वर्ट हो सकता है. सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंसेज. ओके, जैसे कि कोल, आपके पास पता है
कोल, कोल कैसे बनता है? कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन. कोल को आप बोलते हो एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन. तो ये जो ऐसे है, अगर इसको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया आपने तो इसका क्या होता है, इसका पाउडर बनता है. इट मीन्स इट इज़ ब्रिटल इन नेचर. सो रिमेंबर, नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लिक्विड में सिर्फ एक ही नॉन मेटल अपने पास है, दैट इज़ ब्रोमीन. ब्रोमीन ये लिक्विड में पाया जाता है, नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट. उसके अलावा कार्बन, फॉस्फरस एंड सल्फर, दीज आर नॉन मेटल्स विच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दीज नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट. नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे. इट मीन्स दैट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे होता है, कम होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टेट ऑफ नॉन मेटल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच आर नॉट शोन बाय नॉन मेटल्स. दिस प्रॉपर्टीज आर मेलिएबिलिटी. नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट सोनोरस. ओके, दे आर नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनोरस. ऑल्सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सारे के सारे नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं. सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. अभी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें भी हैं जो हमें देखनी ज़रूरी है. जैसे कि कार्बन को हमने बोला है कि कार्बन इज़ नॉन मेटल. कार्बन क्या है? कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन देयर आर सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन. फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन जो है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी अलग अलग फॉर्म्स है. मतलब कार्बन की एक फॉर्म हमें पता है, दैट इज़ कोल, ब्लैक कलर का होता है ना. दूसरा फॉर्म इसका है ग्रेफाइट. आपने नाम सुना होगा, जो आपके पेंसिल के अंदर की लीड होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. एंड थर्ड फॉर्म इज़ डायमंड. ये तीनों नाम आपने सुने हैं. तो इनमें से जो कोल है ना, कोल शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ग्रेफाइट एंड डायमंड ऑल्सो शोज मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. बट देर इज़ वन थिंग, दैट इज़ जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपने कई जगह पे ये देखा होगा कि आपके जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर ग्रेफाइट के रॉड्स यूज़ किए जाते हैं. क्या यूज़ किए जाते हैं? ग्रेफाइट के रॉड्स. क्यों यूज़ किए जाते हैं? बिकॉज ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट ये सब्सटेंस कैसे हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज़ वाई. अभी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड नॉन मेटल है. तो ये एक्सेप्शनल केस ध्यान में रखना कि नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन देयर इज सेकंड एग्जांपल, डायमंड. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर. आपने बोला है कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं नेचर में? नेचर में नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट होने के बावजूद डायमंड ये जो है, ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस समझा जाता है, क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं, एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह से है कि इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक दैम. ओके, सो ये सेकेंड एक्सेप्शनल केस है कि डायमंड जो है, इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर. अगेन वी कैन से दैट ग्रेफाइट जो है, मतलब ये हमने पहली प्रॉपर्टी कंसिडर की, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट एक्सेप्शन. सेकेंड, डायमंड एंड आयोडीन, दिस बोथ शो लस्टर, शाइन. आयोडीन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, आयोडीन के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं एंड दे हैव शाइन. वो उनको क्या होता है? लस्टर होता है. डायमंड ऑल्सो हैव लस्टर. डायमंड इज द मोस्ट शाइनिंग सब्सटेंस इन द नेचर ऑल्सो. ओके, देन डायमंड इज हाई, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगेन ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करते, बट डायमंड शो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो. ओके, सो दीज आर सम एक्सेप्शनल केसेस. And here we complete this topic which was related to physical properties of metals and non-metals. Okay, I hope you understand this topic and I want you to write notes from this video. Okay, thank you.